जीवों में विविधता, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कक्षा 9। पाठ का उद्देश्य, जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। इसी वर्गीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम लक्षणों तथा विकास के बारे में जानेंगे। इन्हीं लक्षण तथा विकास के आधार पर जीवों को 5 जगत में विभाजित किया गया है। पहला प्रोटिस्टा, दूसरा फंजाई, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया और मोनेरा। वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास यूनानी विचारक अरस्तु द्वारा किया गया था। उन्होंने जीवों को 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला स्थल पर रहने वाले, दूसरा वायु में रहने वाले तथा तीसरा जल में रहने वाले। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, वेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग है। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अतः अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना होगा। जब हम किस जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज्यादातर लोगों के पास एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, जो कि एक लक्षण है। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमिक संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। अर्नेस्ट हिकल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल बोस ने सभी जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। मोनेरा का वर्गीकरण, वोस ने मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया है। उपसमूहों में वर्गीकरण, पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये उपसमूह एक प्रकार से वर्गीकरण के अलग अलग स्तर है। जैसे सबसे पहला स्तर है जगत, उसके बाद आता है वर्ग, फिर गण, उसके पश्चात कुल, वंश तथा अंतिम स्तर है जाति। चलिए जगत के भ्रमण पर चलते हैं। सबसे पहला मोनेरा। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा। दूसरा प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के हो सकते हैं। उदाहरण, एक कोशिक शैवाल, डाई एटम, प्रोटोजोआ आदि।
तीसरा फंजाई, ये विषमपोषी यूकैरियोटी जीव है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी भी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, उदाहरणार्थ यीस्ट तथा मशरूम। चौथा प्लांटी, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटी जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। क्योंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। पांचवा एनिमेलिया, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। तो दोस्तों, हमने इस पाठ में अब तक सीखा जीवों का अरस्तु द्वारा वर्गीकरण, लक्षण तथा विकास क्या होता है, जीवों का जगत में वर्गीकरण, जीवों को पांच जगतों में विभाजित किया गया है, पहला प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और मोनेरा। पाठ अभी खत्म नहीं हुआ है, अगले भाग में हम पढ़ेंगे प्लांटी को किस प्रकार विभिन्न उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है तथा एनिमेलिया के विभिन्न उपसमूह क्या है तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।